मेरे यहाँ सोए थे, सब गीला है, ये सब बिल्कुल इतना गीला है, मेरे कपड़े नीचे थे वो मैंने सुबह बाहर किया, सब गीला है सब। सुबह तक मेरे सारा बदन गीला था, पैरों में दर्द, कमर में दर्द। मेरे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई कि मैं जहाँ जाती थी काम के लिए कि मैं काम करो और अपने परिवार के लिए कुछ करो, लेकिन उन्होंने बताया कि काम नहीं है, काम है जवान लोगों के लिए, 18 से लेकर 35 साल तक। मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड उम्र ज़्यादा है, मेरे दो बच्चे छोटा है, हम सब के लिए कुछ काम नहीं है। फिर मैंने यही टेंशन लेकर बाहर रोना किया, बालकन में गई रोना किया, नमाज पर रोना किया कि हम क्या करें। बिलाखरा मैं अपने हस्बैंड को बताया कि आओ हम इकट्ठे करके चूहा का दवाई अपने खाने पर डालते खाते, क्योंकि हमारे लिए कुछ काम नहीं है, तो हम क्या ऐसे कि भूख से मर जाए तो हम खुद को मार डालेंगे। और अब ये घर आप खुद देखते हैं कि सारा दीवारें गीला है, अतः वो वहाँ जो जैन बक्स है वो भी गिरा है, अगर उसका धमाका हो जाए, लंच शार्ट हो जाए, हम सब मर जाते हैं। तीन चार महीने हो गए कि इधर मैं काम करो, इधर हम हमारा वो स्ट्रेस में हम अच्छा है, क्योंकि इधर हम आए एक दूसरे से बात करे और हंसना करे, इधर हमारा ये रूहिया में बहुत अच्छा है। इधर ये घर के किराया और ये खर्चा, अभी तो इंडियन में हम बहुत वो प्राइस ऊपर हो गई है, इसीलिए हमारा ज़िंदगी इधर बहुत मुश्किल चल रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ अच्छा है, रिलैक्स है, पर काम की बहुत मुश्किल है। मेरी बीमारी जो थी वो मैंने जो आपको कहा कि आधे फेस में मेरे दर्द हो रहे थे, या ट्रीटमेंट भी किए, तो जब से हमने ये सेंटर बनाया कोला तो इसके साथ साथ हमारे ये दर्द थोड़ा कम हुआ, क्योंकि यह सारे लेडीज आते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, उनका सुनते हैं, हम अपने बता देते हैं, तो इसी की वजह से हमारे दर्द, हमारी परेशानी थोड़ा कम हो जाते हैं। कई फीमेल्स हैं कि उसके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वायलेंस है उसका, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है उसके लिए, और कई लोगों का जॉब नहीं है, वो अकेले भी लेडीज़ हैं, यहाँ विधवा लेडीज़ है कि उसके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उसका कोई देखभाल करने कोई नहीं, और वो बच्चे का भी खाना पीना देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देना पड़ेगा, और जॉब भी करना पड़ेगा। पहले बहुत मुश्किल है, एक तो लैंग्वेज का, ज़्यादा लेडीज़ का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सभी हिंदी बात नहीं कर सकते, और सबसे इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है कि उनके पास कोई वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका एज ए फॉर वर्क और समथिंग। और हेल्थ इश्यूज़ बहुत होती है, क्योंकि डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उनका मेंटलिटी हेल्थ जेंस से ज़्यादा है, जो घर पर रोज़ शाम बैठे चार साल, पाँच साल, दस साल, सुबह शाम घर पे बच्चों के पढ़ने के लिए बैठते, ना कोई बाहर जाने का उसका कोई फैसिलिटी है, ना पार्क जाने का, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, काम नहीं है। जब उस फैमिली का जो इकोनॉमी इशू होती है, सबसे ज़्यादा जो निगरान होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लेडीज़।